त्रिशला यादव, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और आज के दौर में हर किसी को खूबसूरत स्माइल चाहिए, और खूबसूरत स्माइल के लिए आपके दांतों का हेल्दी होना बेहद आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर वी के जैसल मौजूद है, जो हमारे दांतों के स्वास्थ्य के बारे में हमसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने अपने डेंटल बनने की जर्नी कहाँ से शुरुआत की, और आपके मन में क्या आया कि आप डेंटल बनना चाहते? एक्चुअली मैं हमारे घर में मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो सर्जन है, MS सर्जरी किया हुआ है उन्होंने, तो उसके बाद मैंने भी अटेम्प्ट किया और घर में ये प्रोसेस चलने लगा कि अगर एक सर्जन है तो एक किसी और ब्रांच में जाना चाहिए, तो हमने डेंटिस्ट्री को चुना। आज के वक्त में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है लोगों की, वो है इन्फेक्शन की, जो कीड़े लगने की होती है दांतों में सड़न की, तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? दांतों में सड़न लगने के मुख्य कारण है कि जो हमारा आज का खान पान है, जैसे हम लोग ज़्यादातर जंक फूड्स का यूज़ करते हैं, शुगर रिच डाइट लेते हैं, तो ये मुख्य कारण है दांतों में कीड़े लगने का। जो बच्चे हैं आजकल, उनके जो ओरल हेल्थ है, जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के दांत जो हैं वो सड़ जा रहे हैं, उसके कारण क्या होते हैं? प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, स्ट्रिकी डाइट लेना। आजकल बच्चे देखे जंक फूड में पिज्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, चॉकलेट्स है, कैंडीज़ है, बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, बट वो अपने प्रॉपर दांतों की सफाई नहीं कर पाते हैं, ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, या उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जो हमारा फूड होता है वो दांतों के बीच में कहीं ना कहीं जाके चिपक जाता है और वो कैरीज वाली प्रोसेस चालू हो जाती है दांतों। उसको क्योर करने के क्या प्रोसीजर है, किस तरह से उन दांतों को अब हेल्दी किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा बच्चा है वो कैसा फूड खा रहा है। सबसे पहले मैकेनिकल अगर हम इशू में आएंगे तो हमारा है टूथ ब्रशिंग, डेंटल फ्लॉस और माउथ वॉशेस, ये सब यूज़ करना चाहिए। नाइट ब्रशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारा दिन कुछ ना कुछ खा रहे हैं, दिन में तो ब्रश किया ही किया, बट बिफोर गोइंग टू बेड हमें रात में ब्रश जरूर से ज़रूर करना चाहिए। आज के वक्त में जो लोग स्मोक करते हैं उनके दांतों में स्टेन आ जाते हैं, तो उसके क्या कुछ इलाज हैं, किस तरह से उनको रोका जा सकता है, या फिर अगर स्टेन आ गए हैं तो उनको कैसे क्योर किया जा सकता है? हाँ, जो स्मोक होता है हमारा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें आई थिंक 99% जो एजेंट्स होते हैं वो हार्मफुल ही होता है दांतों के लिए। वो एजेंट्स जो होते हैं, वो हमारा टार्टर होता है जो दांतों पे चिपक जाता है और वो येलोइश ब्राउन कलर जो है यू आता है दांतों का, तो उसके लिए हमारे साधारण सा क्या है, ओरल प्रोफाइलेक्सिस है, स्केलिंग है, या ब्लीचिंग भी करा के हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं और स्टेन को रिमूव कर सकते हैं। हमने दांतों की खूबसूरती की बात करी सर, तो अगर दांतों की खूबसूरती की बात, आज के वक्त में हर किसी को खूबसूरत स्माइल चाहिए, जिसके लिए लोग काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट्स कराते हैं अपने दांतों के, तो उसके लिए कितने तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और वो कितने सेफ हैं? देखिए, खूबसूरत स्माइल के लिए तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे किसी के दांतों में गैप हो जाता है, डायस्टेमा है, तो वहाँ पे हम लोग लाइट क्योर फिलिंग या क्राउन या ब्रीजिंग करके उसके दांत को सही कर सकते हैं। कुछ लोगों के दांत में क्राउडिंग होती है या टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, बाहर लिंगुअली प्लेस्ड है, लेबली है, तो उसको हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, उसमें करते क्या है, सिंपल ब्रेसेस लगा के उसको और वायरिंग से हम उसमें दांतों पे प्रेशर डालते हैं और दांतों को सीधा करते हैं। लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है। जो ब्लीचिंग और क्लीनिंग होती है, जो वाइटनिंग के लिए दांतों के लिए, वो कितनी इफेक्टिव है और वो कितनी सेफ है? देखिए, जो ब्लीचिंग और क्लीनिंग है, क्लीनिंग तो हर हमें 3 to 4 months पे करा ही लेना चाहिए डेंटिस्ट के पास जाके, और जो हमारे ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है, ब्लीचिंग परमानेंट नहीं होती है। एक्चुअली में जो हम लोग खाते पीते हैं, जैसे कुछ कलरिंग एजेंट हो जाते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कलरिंग एजेंट होता है, तो वो हमारे दांतों को स्टेन कर देता है, या कुछ जंक फूड है जो हमारे दांतों को स्टेन कर देते हैं। तो ब्लीचिंग से हम करते हैं क्या कि हमारे दांतों में वाइटनिंग आ जाती है, बट जैसे जैसे फिर हम उसी मील का बार बार यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो वो धीरे धीरे जो हमारा स्टेनिंग जो हटा है, रिमूव हुआ है, वो दोबारा से दांतों पर चढ़ जाता है और दांत सफ़ेद से फिर से ब्राउन होना चालू हो जाता है। जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है आज के वक्त में, वो क्यों होता है और उसको कैसे सही किया जा सकता है? बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम मेनली जो है, जब हमारे मुंह में प्लाक या कैलकुलस डिपॉजिट होता है या कहीं भी दांत में केरीज लगा हुआ है, तो उससे हमारे मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ आती है,
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दांतों की ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवानी चाहिए, मसूड़ों की सफाई करानी चाहिए और जहाँ पे कैरीज लगा है उसकी हमें फिलिंग या रेस्टोरेशन करा लेनी चाहिए, तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डॉक्टर, रूट इन्फेक्शन क्या है? आज के वक्त में रूट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनली मैंने भी सुना है कई लोगों के मुंह से, उन्हें रूट इन्फेक्शन है, तो एग्जैक्टली रूट इन्फेक्शन होता क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। एक्चुअली में रूट इन्फेक्शन जो होता है, रूट जो हमारे दांतों का रूट है, एक डेमो में थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा हल्का सा। ये हमारे एक लोअर आर्च है, ये हमारे दांतों की बनावट है। इसमें जो देखिए ये वाला जो दांत है, ये ठीक है, ये तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को ये क्राउन पोर्शन कहते हैं और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये रूट पोर्शन होता है। तो रूट के नीचे या रूट के साइड में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको हम रूट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये ड्यू टू कैरीज भी हो सकता है कि ऊपर से इन्फेक्शन आया और नीचे यहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि दांतों के बीच में हमारा नस होता है जिसको हम पल्प कहते हैं, तो इसके कारण जो रूट पे इन्फेक्शन हो जाता है उसे रूट इन्फेक्शन कहते हैं। इसके क्योर क्या है और अपने दांतों को रूट इन्फेक्शन से हम कैसे बचा सकते हैं, क्या कुछ हम सावधानियां रखें कि हमें रूट इन्फेक्शन ना हो? देखिए, जो हमारा कॉज है, रूट इन्फेक्शन का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। अगर वो कैरीज के कारण हुआ है, जिसको हम साधारण भाषा में कीड़ा कहते हैं लेमन लैंग्वेज, बट वो कीड़ा नहीं, वो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंस, वो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जो है हमारे दांतों में कैरीज लग जाता है और रूट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम ऊपर से दांतों को ओपन करके नीचे जो भी इन्फेक्शन होता है, पैथोलॉजी होती है, उसको हम रिमूव करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, दवा चलती है, फिर बाद में वो दांत ऊपर से सील कर देते हैं। और वो सर, ये जो दांतों के सड़न जो होते हैं, दांतों के सड़न के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? दांतों के सड़न के शुरुआती लक्षण में तो पहले हमें तो ये देखना होगा कि हमारी ओरल हाइजीन अगर पुअर है, ओरल हाइजीन मीन्स कि जो दांतों की साफ सफाई, उसका रख रखाव है, उसमें कहीं से भी कोई प्लाक लगा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप वही होता है, क्योंकि हमारे प्लाक में ही वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डेंटल कैरीज, पायरिया और भी कई प्रकार की बीमारियाँ दांतों से संबंधित या मसूड़े से संबंधित जो है वो बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। इसके रोकथाम क्या है और जो घरेलू उपचार होते हैं, कुछ लोग आजकल दांतों में सड़न हुई तो घरेलू उपचार करते हैं, जो घरेलू उपचार है वो कितने सही है और कितने उपयोगी है घरेलू उपचार? देखिए, घरेलू उपचार तो 100% तो सही नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक केवल हम उसको कुछ समय के लिए उस कैरीज के प्रोग्रेशन को या पायरिया के प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं कि हमारे दांतों में कीड़ा ना लगे। जैसे क्लोव आयल हो गया, हल्दी और तेल और नमक का पेस्ट हो गया, गुनगुने पानी नमक की कुल्ली हो गई, ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए बस उसको हम रोक सकते हैं, बट वो प्रोग्रेसिव होता है, वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमें प्रॉपर डेंटिस्ट से चेकअप करा के अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जहाँ पे भी वो कीड़ा या कैरीज लगी हुई है वहाँ पे हमें रेस्टोरेशन करा लेना चाहिए। आज के समय में तो तमाम प्रकार के अच्छे रेस्टोरेटिव मटेरियल्स, फिलिंग मटेरियल्स आ गए हैं जो टूथ कलर्ड होते हैं और आप करा सकते हैं। डॉक्टर, पायरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों में पायरिया सुनने को मिलता है, पायरिया क्यों होता है, किस वजह से होता है और पायरिया के इलाज क्या क्या है? देखिए, जो डेंटल डिजीज में सबसे पहले बस अगर दिमाग में कोई चीज़ आता है तो वो होता है कि क्लीनिंग। अगर हमारी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो हमारा जो मसूड़ों से संबंधित बीमारी जिसको हम पायरिया कहते हैं वो हो जाएगा या दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो ओरल हाइजीन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी पेशेंट के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, कि हमें जो अपना ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रखना है, 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, जिससे कि पायरिया से हम निजात पा सके या पायरिया होने के लक्षण हमारे कम हो जाए। उसके बाद हमें अब प्रॉपर अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए दांतों का और मसूड़ों का। अगर रिक्वायरमेंट है तो दांतों की सफाई करानी चाहिए। सर, आप तो एक डॉक्टर हैं, क्लिनिक पे किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, लाइक किड्स में जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह के दांतों के प्रॉब्लम पाए जाते हैं, एक एडल्ट है उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती है, और जो थोड़े ओल्ड एज है उनमें किस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है, और किस किस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास आते हैं? देखिए, बच्चों में कॉमन जो मैंने देखा है उनमें ज़्यादातर कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं और वो प्रॉपर ब्रशिंग कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे होते हैं जो बॉटल फीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें रैम्पेंट कैरीज होता है, उनके आगे के दांत जो होते हैं, ये आगे के दांत जो होते हैं
यहाँ पे कैरीज लग जाती है इनके बीच बीच में और साइड में, तो ये इसको हम रैम्पेंट करेंगे। तो ये पूरा इनेमल और इनका ये इंसाइजल एज जो है, क्राउन पोर्शन है, वो धीरे धीरे झड़ने लगता है या सड़ जाता है, ठीक है, ब्लैकिश हो जाता है। तो कॉमन समस्या जो बच्चों में हमें देखने को मिला है वो यही मिला है कि उसमें कैरीज प्रॉन होता है, कैरीज ज़्यादा लगती है। दूसरा चीज़ होता है कि लिंगुअल सरफेस पे अक्सर उनके प्लाक या कैलकुलस जमा हो जाता है, क्योंकि आगे तो हम मैकेनिकली फोर्स ब्रश से लगा के प्लाक को रिमूव थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वैसे प्लाक रिमूव होता नहीं है ब्रश से अगर वो लग जाए तो। ये तो हो गए बच्चों की प्रॉब्लम। दूसरा जो एडल्ट हैं उनमें ज़्यादातर हमने देखा है कि जैसे जो पान मसाला खा रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, कैरीज लग जाता है, यही कॉमन है। बुड्ढों में ज़्यादातर क्या होता है कि जो पायरिया होता है हमारा वो थर्ड ग्रेड में पहुंच जाता है, ज़्यादातर उनके दांत मोबाइल ही हो जाते हैं, हिलते हुए दांतों की समस्या लेकर वो ज़्यादा आते हैं हमारे पास। डॉक्टर, आजकल जो जिनके डीशेप टीथ्स होते हैं, शेप में नहीं होते हैं या फिर थोड़े बाहर निकले हो, तो लोग ब्रेसेस लगवाते हैं, तो ब्रेसेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रोसीजर क्या है लगवाने के, और कितना सेफ है ब्रेसेस लगवाना, क्या इसका कोई इफेक्ट दांतों को अगर हम उसकी जगह से हिला करके उसे शेप में करते हैं, तो क्या इसको क्या सर हमारे दिमाग पे भी पड़ता है? हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। एक्चुअली में ब्रेसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मेटल ब्रेसेस होता है, एक सिरेमिक ब्रेसेस होता है। सिरेमिक ब्रेसेस जो होता है वो थोड़ा सा टूट कलर्ड होता है, और मेटल ब्रेसेस हमारा वो स्टेनलेस स्टील का होता है। जिस भी पेशेंट की या व्यक्ति के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या क्राउडिंग होती है, जैसे ये हमारा दांत है, अगर ये यहाँ पे इसका प्लेसमेंट है, ये यहाँ से इस पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे आ जाए या ओवरलैप कर जाए ऊपर और नीचे दोनों की, जैसे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो है ये बाहर निकला हुआ है लेबली, तो इस केस में हम ब्रेसेस लगा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है कि हम मेटल के ब्रेसेस या सिरेमिक के ब्रेसेस यूज करते हैं, इसमें खर्चा काफ़ी आता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसका रिजल्ट जो होता है वो हमें 6 महीने से लेकर साल भर तक लग सकता है ब्रेसेस का रिजल्ट आने में। कंटिन्यू ब्रेसेस लगाने रहते पड़ते हैं। और साथ ही साथ ब्रेसेस जब हम लगाते हैं तो उसमें खाने पीने का बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि हमें स्टिकी डाइट नहीं लेना होता है। अगर स्टिकी डाइट या कोई हार्ड चीज़ हम चबाते हैं या खाते हैं तो ब्रेसेस उखाड़ने का खतरा रहता है और वो प्रोसीजर फिर बढ़ जाता है हमारा। और जो उसके इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एक ओवरलैप टीथ से उसको हम फिक्स करते हैं अलग जगह पे, तो क्या उसके इफेक्ट दिमाग पे भी हमारे पड़ते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दिमाग पे डेंटल ट्रीटमेंट से संबंधित ऐसा कोई न रिसर्च आया है न ऐसा है, और दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता है इसका। आप ब्रेसेस अपने डेंटिस्ट के पास जाके आराम से लगवा सकते हैं, या डेंटल का कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं तो उसका इफेक्ट दिमाग पे नहीं पड़ता है। हाँ, अगर नहीं करवाते तो शायद पड़ सकता है, करा लेना चाहिए हमें। अगर बात किया जाए कि एक जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, तो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई मशीनें भी आ रही हैं, तो जो पुरानी ट्रीटमेंट की प्रोसीजर थे और अब जो नए प्रोसीजर, उसमें कितना कुछ डिफरेंस आया है? पुरानी प्रोसीजर में जैसे कि पहले क्या था कि टूथपेस्ट नहीं था, तो जो रोमन्स और ग्रीक्स थे पुराने एंशियंट टाइम में, वो करते क्या थे कि जो टूथपेस्ट बनाते थे उसमें यूरिन का यूज़ करते थे वो ज़्यादातर, या अगर कहीं पे दांतों में कैरीज लगी है तो वो ऑयस्टर सेल का यूज़ करते थे, उसका पाउडर लेके दांतों पे लगाते थे। चाइनीज़ जो थे वो सॉल्ट का यूज़ करते थे, और जिनसेंग आता है, एक हर्ब होता है, जिनसेंग हर्ब का यूज़ करते थे डेंटल कैरीज के प्रोसीजर में। एनेस्थीसिया के जगह पे, जैसे आजकल तो एडवांस्ड डेंटिस्ट्री हो गई है, तो लगभग लगभग दांतों या जबड़े से संबंधित सारी बीमारियों का ही इलाज होता है, आप अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अब तो एडवांस टेक्निक आ गया, तो लोकल एनेस्थीसिया वगैरह आ गया है, जिससे हम पेन लेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओल्ड टाइम पे हम लोग वाइन का यूज करते थे एनेस्थीसिया की जगह पे। अगर बात किया जाए अपने दांतों का ख्याल रखने का, तो किस तरह से हम अपने दांतों का प्रॉपर ध्यान रखें, क्या कुछ ट्रीटमेंट है, अगर हमें कोई नहीं प्रॉब्लम है तो भी हम उस ट्रीटमेंट को लेते रहें कि हमें आगे अपने दांतों में कोई समस्या ना हो? दांतों का प्रॉपर ख्याल रखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हमें 2 टाइम ब्रशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, फाइब्रस डाइट जो है वो लेना शुरू कर दें, क्योंकि फाइब्रस डाइट से क्या होता है, हमारा नेचुरल क्लींजिंग होता है टूथ सरफेस का, मसूड़े हमारे स्ट्रांग होते हैं, दांत हमारे स्ट्रांग होते हैं, ये करना चाहिए। और
वही अगर बात किया जाए कि जिनके अभी भी टीथ हेल्दी है, जिनको कोई समस्या नहीं है, वो किस तरह से अपने दांतों का ध्यान रखें कि आगे उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, दांतों से जुड़ा हुआ? ऐसे लोगों को सबसे पहले तो 2 टाइम ब्रशिंग करना चाहिए और अपने डाइट में जो फाइब्रस रिच डाइट है उसको इंटेक को उसके इंटेक को बढ़ा देना चाहिए। जो फाइब्रस रिच डाइट होता है वो करता क्या है कि हमारा नेचुरल क्लीन कर देता है टीथ सरफेस को, गम्स को मजबूत बनाता है और माउथ वॉशेस, माउथ रिंसेस का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें और 3 महीने पे अपने डेंटिस्ट से अपना दांतों का चेकअप करा लें। सर, वहीं अगर बात की जाए केरीज की, तो केरीज आज के वक्त में हर जनरेशन की प्रॉब्लम है। केरीज क्या होता है और केरीज कौन सी बैक्टीरिया कॉज करता है? केरीज को कॉज करने के लिए स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंट्स, स्ट्रेप्टोकॉकस सोबरिनेंस एंड लैक्टोबैसिलस होता है और एक्टिनोमाइसिस होती है। ये जो बैक्टीरिया है वो केरीज को कॉज करते हैं। ठीक है, केरीज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है मैम, जैसे कि एक होता है हमारा स्मूथ सरफेस केरीज। स्मूथ सरफेस केरीज में क्या होता है कि जो हमारे एंटीरियर आगे के जो दांत होते हैं उसमें आगे के पोर्शन में और दांतों के प्रॉक्सिमल साइड में, यानी कि दो दांतों के बीच में, वहाँ पे केरीज लग जाती है जिसको स्मूथ सरफेस केरीज कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा पिट एंड फिशर सीलेंट केरीज, पिट एंड फिशर केरीज होता है जिसमें ये हमारे जो मोलर टीथ हैं पीछे के चबाने वाले दांत होते हैं जिसको हम लोग चौभर या चौघर कहते हैं, तो इसमें छोटे छोटे जो है फिशर्स बने होते हैं, यानी लाइन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे केरीज लग जाता है। इसको हम पिट एंड फिशर केरीज कहते हैं। इसमें पिट एंड फिशर सीलेंट आता है जो हम लगा देते हैं तो उसमें पिट एंड फिशर कैरीज नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट थिंग है, एक होता है रूट कैरीज, जैसे कि आपने पहले भी पूछा था। रूट कैरीज हमारे रूट सरफेस पे लगती है, यहाँ पे इस पोर्शन पे, वो सीमेंटम को हटा देता है जिससे रूट में हमारे एब्सेस बन जाता है। एब्सेस तो सारी कैरीज से भी बन सकता है, स्मूथ सरफेस कैरीज हो या पिट एंड फिशर कैरीज हो या रूट कैरीज हो, बट अगर रूट पे कैरीज होती है तो उससे हमारा पेरिपाइकल एब्सेस बन जाता है और ये कैरीज बाद में इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता है कि ऑस्टियोमेलाइटिस, जो जबड़े की बोन होती है, वो भी उसमें गलने लगती है। लास्ट पोर्शन एक सेलुलाइटिस का होता है जिसमें हमारा मुंह बहुत ज़्यादा ही स्वेल कर जाता है, बाहर से स्किन रेड और पिंक हो जाती है और टच करने पर वो वार्म लगता है स्किन बाहर से, तो ये सारे कैरीज के जो है प्रोग्रेसिव लक्षण हैं। इस तरह से कैरीज हमारी आगे प्रोग्रेस करती है बचपन। इसके इलाज क्या क्या है, किस तरह से घर पे हम इसके इलाज कर सकते हैं और जो डॉक्टर्स इसका किस तरह से इलाज करते हैं? घर पे हम इसको गुनगुने पानी नमक की कुल्ली कर सकते हैं, दूसरा क्लोव ऑयल लगा सकते हैं और कुछ रेमेडीज हैं, तुलसी के पत्ते को बॉयल करके या हल्दी या तेल या नमक का मिश्रण बना के अपने दांतों पे लगा सकते हैं। बट जो घरेलू नुस्खे हैं या घरेलू उपाय हैं वो बहुत कारगर साबित नहीं होते हैं, वो कुछ समय तक के लिए ही आपको रिलीफ देते हैं। हाँ, अगर हम प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट आता है जिसमें हम दांतों को ऊपर से ओपन करके नीचे से उसका पास ड्रेन करते हैं, उसके बाद उस दांत के बीच में जो स्पेस होता है रूट का और क्राउन का, वो हम गट्टा पर्चा या जीपी पॉइंट से उसको सील कर देते हैं, ऊपर से क्राउन और ब्रिज लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, जिससे कि हमारा दांत फिर से उसी तरह हो जाता है। अभी हमने बात की माउथ वॉशेज, आज के समय में मार्केट में कई टाइप के जो टूथपेस्ट हैं, टूथब्रश के भी कई वेराइटीज़ अवेलेबल है और कई टाइप के माउथ वॉशेज भी अवेलेबल है, तो डॉक्टर हम जाएंगे, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि किस तरह के पेस्ट, टूथपेस्ट यूज़ करें, किस तरह का माउथ वॉश और ब्रशेज यूज़ करें, आप एक बार ये भी बताएं। हाँ, देखिए जो टूथब्रश है वो हमारे जिंजाइवल जो कैपेसिटी है, ये हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें टूथब्रश का यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा दांत बहुत सेंसिटिव है तो हमें सॉफ्ट ब्रिसिल वाले ब्रश का यूज़ करना चाहिए, बहुत हार्ड ब्रिसिल वाले ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड ब्रिसिल का ब्रश होता है अगर उसको हम अपने दांतों पे जो है वो चलाएंगे या उसको मैकेनिकली हम फोर्स लगाएंगे तो इनेमल और हमारा रब हो जाएगा जिससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर हमें जो है मीडियम सॉफ्ट जो होता है उसको सुपर सॉफ्ट ब्रश का ही यूज़ करना चाहिए, वो भी दिन में 2 बार। माउथ वॉशेस के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर मार्केट में अभी फ्लोराइड रिच माउथ वॉश आए हुए हैं जिनका यूज़ हमें करना चाहिए। फ्लोराइड जो होता है
वो हमारा जो ऑर्गेनिक पार्ट है इनेमल का, जिसमें कैल्शियम या फॉस्फेट होता है, उससे मिलके हमारा रीमिनरलाइजेशन का काम करता है और दांत को स्ट्रांग बनाता है। कुछ हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिलेटेड माउथ वॉशेस हैं जो कि मसूड़ों की गंदगी और जो दांतों की प्लाक वगैरह हैं उसको रिमूव करते हैं और कुछ हद तक वो बैक्टीरिया को सप्रेस करने में सहायक होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर वी के जैसल, जिन्होंने हमें बताया कि हम अपने दांतों का ध्यान किस तरह से रखें, क्या कुछ हम पहले से ही अपने दांतों का ध्यान रखें कि हमारे दांतों में सड़न ना हो और हम अपने खूबसूरत से स्माइल को बरकरार रखें। हमारे खास सो हेल्थ मंत्रालय में इतना ही। हम जल्द ही किसी और बड़े शख्सियत से जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे उससे मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।